बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम व्हाट्सएप की नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि व्हाट्सएप ने नए फीचर्स बीटा के नाम से मुतारफ कराने का सोचा है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एहसास चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर जाके क्लिक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। व्हाट्सएप ने ग्रुप कॉल के शुरका की तादाद में इजाफा करने का सोच लिया। फेसबुक की ज़ेर मलकियत व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस के दौरान ऐप को मज़ीद करामद बनाने के लिए एक और दिलचस्प फीचर मुतारफ कराने का इरादा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप ऑडियो और वीडियो कॉल्स में मेंबर्स की तादाद बढ़ाने का सोच रहा है। व्हाट्सएप बीटा पर नज़र रखने वालों ने यह दावा किया है कि ऐप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.2.128 में कोड की एक इंकशाफाई तार दरियाफ्त हुई है। बीटा ऐप असल व्हाट्सएप वर्जन के कुछ आजमाइश वर्जन हैं। व्हाट्सएप ऐप पे महक वबा के बायस सार्फीन घरों में मसूर होकर बैठ गए हैं और इसी वजह से वीडियो कॉलिंग में तेज़ी से इजाफा होता नज़र आ रहा है। व्हाट्सएप फ़िलहाल ग्रुप में ऑडियो और वीडियो कॉल्स में सिर्फ 4 शुरका की इजाज़त देता है। स्काइप और जूम जैसी ऐप शिरका की बहुत बड़ी तादाद की इजाज़त देती है। ताहम अब व्हाट्सएप ने यह भी सोचा है कि इस ऑडियो और वीडियो कॉल्स में शिरका की तादाद में इजाफा किया जाए और ज़्यादा लोग इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकें। ताहम व्हाट्सएप के नए ग्रुप कॉलिंग की हद के बारे में अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई कि कितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे।